8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स. दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा, दोनों बैल पास और नेक. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन. जिसको सर्वाइकल है सेंटर तक, बाकी सारे पूरा नीचे ड्रॉ. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. करते रहिए, रुकना नहीं है. ब्रीथ के साथ नेक पूरा पीछे जितना हो सकता है स्ट्रेच. लास्ट 10 सेकेंड नेक पे पूरा स्ट्रेच आना चाहिए. डीप ब्रीथ और पूरा स्ट्रेच. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स. दोनों फिंगर इंटरलॉक, दोनों अंगूठे को यहाँ चिन पे लगाओ. नेक पूरा पीछे और होल्ड. 10 9 8 7 6 5 4 करो. 3 ऐशा माम करो. 2 1 रिलैक्स. राइट हैंड सीधा, लेफ्ट हैंड से साइड स्ट्रेच. ऐशा माम करो. 10 9 8 पूरा स्ट्रेच. 7 6 5 4 3 2 1 साइड चेंज. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स. दोनों हाथों को रखो कमर पे, और जिसको घुटनों में प्रॉब्लम है स्लो, बाकी सारे फास्ट. थोड़ा सा ये जिसको घुटनों में प्रॉब्लम है ऐसे करो, बाकी सारे जंप के साथ. ये करते रहो करते रहो करते रहो. पूजा मैम खाओ, जल्दी आओ. चलो चलो चलो, जिसको घुटनों में प्रॉब्लम है स्लो, और बाकी जंप के साथ. ये करते रहो करते रहो. आरती मैम पैरों को पास रखो, गैप नहीं, आपकी पैरों में गैप है, पैरों को पास रखो. हाँ करते रहो. लाइका मैम थोड़ा पास आके करो, बहुत दूर हो. पूजा मैम आप फैन ऑफ करो और आ जाओ जल्दी. फास्ट फास्ट फास्ट, पूरा जंप के साथ. अनुष्का मैम हल्की सी जंप के साथ. और नोज से ब्रीथ. हार्ट बीट कितनी भी तेज हो, सांसें कितनी भी तेज चले, नोज से ही ब्रीथ लेनी है. पूजा मैम चलो जल्दी से. चलो चलो चलो, करते रहो करते रहो करते रहो. लास्ट 10 सेकेंड है ईशा मैम. 10 आप थकते हो ना, उसके लिए सबसे बेस्ट है नोज से ब्रीथ लो, उससे स्टेमिना भी बढ़ेगा. कितना भी थको नोज से ही ब्रीथ आप आदत डालो उसकी. करते रहो जानकी मैम, रुको नहीं. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स. 20 टाइम राइट साइड, 20 टाइम लेफ्ट साइड, और अपोजिट हाथ रहेगा. ठीक है, ये हाथों की उंगलियों से पैर की उंगली टच करनी है. 20 बार और फिर साइड चेंज. और इसमें भी जो बिल्कुल जिसको घुटने में प्रॉब्लम नहीं है, लोअर बैक में प्रॉब्लम नहीं है, वो जंप के साथ ये.
फास्ट जितना फास्ट कर सकते हो, जितना फास्ट कर सकते हो। फास्ट साक्षी मैम थोड़ा फास्ट जंप के साथ, 20 बार एक साइड, 20 बार एक साइड। निपुणा मैम चलो जंप के साथ, चलो चलो चलो। आरती मैम रुकना नहीं है, 20 20 बार दोनों साइड जब हो जाए धीरे धीरे वॉक, जिसका हो जाए धीरे धीरे वॉक। और दोनों पैरों में क्या, जिसको घुटनों में प्रॉब्लम है कम बैंड करना, बाकी जितना बैंड कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगेगी लेकिन पूरी शरीर के लिए बहुत अच्छा है, और स्पेशली लोअर बॉडी के लिए। क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरीके से फिंगर इंटरलॉक, ठीक है। और सबसे पहले जिसको घुटने में प्रॉब्लम है वो देखो, वो बस यही करेंगे जिसको घुटने में प्रॉब्लम है, ठीक है। बैठना नहीं है, खड़े हो जाओ भगवंदीप मैम, ठीक है, जिसको घुटने में प्रॉब्लम है। और बाकी सारे क्या करेंगे, थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगेगी लेकिन सबको करना है ये। ठीक है, और आप चाहो तो स्टार्टिंग में, मैं समझ रही हूँ, कोशिश करना ना लेना पड़े, इस तरीके से सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में एकदम से नहीं होगा। चाहो तो थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हो, बट कोशिश करना बिना सपोर्ट के करो, ठीक है। चलो, और पैरों में गैप करो रुबीना मैम, पैरों में बहुत गैप होगा अभी। हाँ आरती मैम पैरों में गैप करो, पैरों में जितना गैप होगा उतना अच्छा होगा। कमर सीधी करते रहो, करते रहो, करते रहो, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। चलो चलो चलो, रुकना नहीं है, चलो जानकी मैम बहुत ज्यादा वो ले रहे हो हाथों की सपोर्ट, थोड़ा कम लो। चलो चलो चलो, धीरे धीरे करो, जितना बॉडी अलाउ कर रही है करो, लेकिन रुको नहीं बिल्कुल भी। चलो नीचे फ्लोर का सपोर्ट ले लो, ये शमाम नहीं हो रहा तो फ्लोर का सपोर्ट ले लो, लेकिन करो ये ऐसे सपोर्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कमर को सीधी रखो, आरती मैम आप तो ये कर रहे हो, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। कमर को सीधी रखो, बस खाली थोड़ा सा ऊपर आने के लिए सपोर्ट लो, ये गए बस, हल्का सा सपोर्ट, लास्ट 10 सेकेंड। चलो रुकना नहीं है, साक्षी मैम नीचे तक जाओ, 10 9 8 करते रहो, रुकना नहीं, 1 पे भी, 9 8 7 6 गगनदीप मैम नीचे तक जाओ, 5 4 3 2 1 राइट साइड होल्ड, 10 होल्ड करके रखो, 9 8 जो स्ट्रेच आ रहा है फील करो, 7 6 5 4 3 2 1 धीरे से अप और साइड चेंज और होल्ड अपोजिट साइड, 10 9 8 चलो चलो सारे करो, 5 4 3 2 1 धीरे से आ जाओ, पैरों को लाओ पास में, पैरों को पास में, बस एक लास्ट अच्छे से सारे करना, जिसको घुटने में प्रॉब्लम है बस इस तरीके से, ठीक है। और बाकी सारे क्या करेंगे, पूरा नीचे तक बैठ के लिए 20 बस, चलो फास्ट। साक्षी मैम पैरों को ऐसे ऐसे खोल के मत बैठो, सामने रखो पैर, ये ऐसे सामने रखो पैरों को, घुटने एक दूसरे के साथ रहने चाहिए। चलो
अच्छा मैम वीडियो ऑन करिए। चलो 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 कंप्लीट करो, जिसका हो जाए वॉक, जिसका हो जाए धीरे धीरे रनिंग्स। चलो आरती मैम बीच में रुकना ही नहीं है किसी को। आशा मैम वीडियो के ऑफ है। चलो जानकी मैम कंप्लीट करो, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो, बीसी तो है। साक्षी मैम डन हो गया तो फिर वॉक करो, खड़े नहीं रहो। जिसका हो गया धीरे धीरे वॉक, धीरे धीरे वॉक। नो सेम ही नो सेम, दोनों हाथों को इस तरीके से घुटने के ऊपर रखो, बट बॉडी का वेट मत डालना, ठीक है, हल्का सा रखना और पूरा सर्कल। 10-10 क्लॉकवाइज और 10-10 एंटी क्लॉकवाइज। करते रहो करते रहो करते रहो।